discussion going to give unbiased opinion और इस पे rely करेंगे और पुराना चलता है ठीक है तो जब भी decision दे इसके ऊपर सारे लोग rely करेंगे इसके लिए companies act ने भी पहले से provision बना के रखा है कि कुछ control बनाए गए हो उस control basically is bad it gets I'm going to make it no matter how bad it is how bad it gets I'm going to make it how bad it is, no matter how bad it will, I'm going to make it. No matter how bad it is, how bad it will, I'm going to make it. No matter how bad it is, how bad it gets, I'm going to make it. No matter how bad it is, how bad it gets, I'm going to make it. No matter how bad it is, how bad it gets, I'm going to make it. No matter how bad it is, how bad it gets, I'm going to make it. I believe in myself. Just say, I believe in myself, I can and I will. So, घड़ी में सारा हो रहा है 6:30, डे है 29/9, मतलब डे 2, और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 2. What are the accounting estimate according to the standards on the of chapter number 2? What are the accounting estimate according to the standards on the ऑडिटिंग 540 अभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको पता है 540 क्या है बट ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट हम अकाउंटिंग में कोई एस्टिमेशन करते हैं जैसे कि अगर हमें कोई चीज का कंक्लूसिव अमाउंट पता नहीं है फिर कोई अपना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो वहां पे क्या करेंगे एस्टिमेट करेंगे भैया जहां पे हमारे पास एक कंक्लूसिव अनसर्टेनिटी है वहां पे हम क्या करेंगे एस्टिमेट करेंगे ये ऐसे नहीं हुआ तो हम कुछ बेसिस अलग लेके बताएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर पूरा स्टैंडर्ड्स का नाम है अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर ठीक है अकाउंटिंग एस्टिमेट मींस एन एप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट्स एप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी इन एब्सेंस अगर एब्सेंस है प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट नहीं है मेरे पास तो हम एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एन अमाउंट मेजर फॉर द फेयर वैल्यू वेयर देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एस्टिमेट करने की अनसर्टेनिटी है कि वो क्या सही है क्या गलत है तो इसको हम लोग यूज करते हैं कि भैया ये एस्टिमेटेड नहीं है अनसर्टेन है एज वेल एज फॉर अदर अमाउंट्स दैट रिक्वायर एस्टिमेशन और भी जहां पे एस्टिमेशन रिक्वायर होगा ऐसे 540 एड्रेस ओनली अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्विंग मेजरमेंट एट द फेयर वैल्यू Involving at the measurement of the fair value, जैसे कि इसमें लिखा हुआ fair value accounting instrument, the term fair value accounting instrument is used. Involving measurement of the fair value, at fair value मतलब कि fair value पे अगर हम जब measurement करेंगे तो वहाँ पे एक term use करेंगे fair value accounting instrument, ठीक है? तो मोटा मोटी हिसाब यही कि जब हमारे पास एक मॉनेटरी अमाउंट हम मतलब जब हमारे पास कोई प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं रहते तो हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं फेयर वैल्यू उसका निकालते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं फेयर वैल्यू एस्टिमेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटिंग अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट मतलब अनसर्टेनिटी रहता है कोई कोई सिचुएशन में तो बिजनेस एक्टिविटीज सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन ओनली बी एस्टिमेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो एस्टिमेट ही की जा सकती हैं तो उन केसेस में होगा फर्दर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेट लायबिलिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इक्विटी और ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ द मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मेथड प्रिस्क्राइब रहते हैं कि आप इस तरीके से इन इन चीजों को मेजरमेंट मतलब एस्टिमेशन बेसिस पे ही लिया जा सकता है मे की प्राइस जैसे कि कोई भी FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं उसमें उसकी पॉलिसीज में लिखा है कि आप ये फिगर एस्टिमेट करके लिखेंगे तो वो एस्टिमेशन पे ही होगा वो राइज देगा सम राइज मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी जब FRF में लिखा हुआ तो एस्टिमेशन FRF में लिखा हुआ तो एस्टिमेशन आपको करना ही होगा सम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड द डिस्क्लोजर दैट आर द रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बताते हैं कि आपको ये एस्टिमेट करना है और इसका डिस्क्लोजर भी करना है व्हाइल अदर फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स आर लेस स्पेसिफिक और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लेस स्पेसिफिक रहते हैं तो दो केसेस हो गए ठीक है सम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व रिलेटिवली लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी
मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर हम अगर एस्टिमेट करेंगे तो अनसर्टेन होने का चांसेस कम है, जैसे कि अगर हम कोई चीज एस्टिमेट करेंगे तो उसका गलत होने का चांसेस कम है, ठीक है। लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग रेजिंग एंटिटी दैट इंक्रीज इन द बिजनेस एक्टिविटी दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, अगर बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है तो जो भी हम एस्टिमेट करेंगे क्या वो एक्यूरेट होने का चांसेस ज्यादा है, उसमें या नहीं, जी हाँ है, जोर से बोलिए, जी हाँ, जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो वहां पर हमें लोअर रिस्क रहेगा, लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल में पहले बात की कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग इसमें दैट फ्रिक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द रूटीन ट्रांजेक्शन, अगर जो हमेशा अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है मतलब जैसे कि मैं कोई भी एस्टिमेट कर रहा हूँ तो उसको वीकली एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे है वो सही जा रहा है, अगर नहीं हो रहा तो वो फर्दर चेंजेस करके उस फिगर की एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एस्टिमेट क्या है और उसके बाद कुछ एफ आर एफ में मेंशन किया रहता है कि एस्टिमेट क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे जहाँ पे लोअर रिस्क है अगर हम वहाँ पे एस्टिमेशन करते हैं, जैसे अगर बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर सिंपल सा है तो, और दूसरी बात जब हम लोग एस्टिमेट अपडेटेड बेसिस पे करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो केसेस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कुछ ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन, जैसे कि मेरी कोई केस चल रही है, मेरा कोई केस चल रहा है तो उसके आउटकम पे अगर हम कोई अजम्पशन लेते हैं, कोई एस्टिमेशन करते हैं तो दैट इज रिलेटिवली अ हायर, बिकॉज उसका क्या डिसीजन होगा दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल, हायर रिस्क है बट प्रिडिक्टेबल तो हो ही सकता है ना, क्या हमारे फेवर में होगा अगेंस्ट होगा लेकिन क्या अमाउंट होगा, तो बट उसमें हाई रिस्क है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्यूचर में जो स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या आउटकम आएगा, उसका अगर अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन करते हैं तो क्या होगा, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डेरिवेटिव फाइनेंशियल नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता तो उसमें भी हायर रिस्क है। एडिशनल एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेशंस आर अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स, इन्वेंट्री ऑफशोरेंस, वारंटी ऑब्लिगेशंस, डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ, प्रोविजन अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन तो भैया है ही, आउटकम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या आउटकम होगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कॉस्ट राइजिंग, तो ये क्या बोल रहा है कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, मैं डाउटफुल अकाउंट्स में मेरे को लग रहा है कि इतना अलाउंस देना होगा, दैट इज एन एस्टिमेशन, यस, इन्वेंट्री ऑप्शोरेंस इतना मेरा खराब हो जाएगा इतना रह जाएगा वो भी एक एस्टिमेशन है, वारंटी ऑब्लिगेशन की मेरी इतनी की वारंटी आउटकम, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्रोडक्ट सेल करती तो उसमें एक वारंटी का टर्म होता है, जैसे मोबाइल आता है उसमें एक साल की वारंटी रहती, तो वो एस्टिमेट लेता है कि 10% मेरे पास वारंटी के केसेस आएंगे, तो एस्टिमेशन हायर रिस्क हो सकता है। उसमें डेप्रिसिएशन मैथड और एसेट यूजफुल लाइफ, जो मैथड यूज करते हैं और यूजफुल लाइफ, वो हो सकता है कि वैसा दिन चले फिर उससे कम दिन चले, क्या पता बीच में ब्रेकडाउन हो जाए। प्रोविजन अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन जब भी बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो, मतलब जब भी प्रोविजन बनता है तो दैट इज स्पेसिफिकली एस्टिमेशन कैन बी प्लस माइनस तो हो ही सकता है उसमें। आउटकम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आउटकम क्या है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कॉस्ट, तो ये रही आपका क्या है ऐसे 540, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये एस्टिमेशन होता क्या है, जब प्रिसाइज मीन्स ऑफ अपने पास प्रिसाइज मीन्स नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम लोग, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में स्पेसिफिकली मेंशन रहता है, ठीक है, और कुछ लोअर रिस्क है। लोअर रिस्क में दो चीज़ें में पहला चीज़ क्या है, लोअर रिस्क कब है, लोअर रिस्क जब हम एस्टिमेट करते हैं तो लोअर रिस्क रहता है, जैसे कि अगर हम कोई एस्टिमेट कर रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी बोले तो कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स कम रहेगा तो एस्टिमेशन एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा है।
और ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। हम बता देते कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स है, रूटीन ट्रांजेक्शन जहाँ पे कम है, ऑपरेटेड है, और ये रहा लॉन्ग टर्म वाला मतलब कि हायर रिस्क वाला। तो ये कॉम्प्लेक्स की बात हम कर लिए, लोअर रिस्क हाई रिस्क, इसमें एक अपडेटेड वाला भी है। अपडेटेड अगर डेटा अगर है मतलब हम एस्टिमेट जो करें वो अपडेटेड है, एस्टिमेट जो करें वो अपडेटेड है, ठीक है। और हायर रिस्क, हाई रिस्क का क्या था, हायर रिस्क कब रहेगा, जब हम एस्टिमेशन करेंगे किसी लिटिगेशन का, ठीक है, किसी डेरिवेटिव का कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ये रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये दिस इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूशन वारंटी ऑब्लिगेशंस, ये प्रोविजन हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, वारंटी हो गया, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूशन हो गया, अलाउंसेज हो गए, आउटकम ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि लिटिगेशन का, ये इसका भी आउटकम अगर देखेंगे, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू लिटिगेशन, इतना खर्चा आएगा मेरा, तो ये हो गया ऐसे 540। आई एम गेटिंग माय पॉइंट नाउ, मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं, जी हाँ हूँ मैं, ऐसे बोलने से नहीं होता। होता क्या है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस इज द की स्टोन अपॉन विच द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन इज बेस्ड। हमारी डिग्निटी रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। जो भी हमारा जजमेंट है एक पर्सन का इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। मेरी जो भी डिसीजन होगी वो किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होगी, ठीक है। हु माइट हैव एंगेज्ड हिम और टू हिज और ओन सेल्फ इंटरेस्ट। So, once again, independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of another person. मुझे कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम ऐसा डिसीजन दो, और मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी थर्ड पार्टी का कि तुम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा डिसीजन दो। दैट इज व्हाट द इंडिविजुअल हु माइट हैव एंगेज्ड हिम, ओके। द इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड। व्हाट अ लाइन, व्हाट अ कंडीशन ऑफ माइंड। ये आप डेवलप करेंगे आपके माइंड में, पर्सनल डेवलपमेंट है, a condition of mind that should not be confused with a specific and visible standards on independence which are sometimes imposed by locus law mein independent imposed hai, but wo hum kya bolte hain ki auditor ka ek state of mind, a condition of mind or character of the person, nothing else. In the context of the auditor, the his independence is necessary so as to enable him to access unbiased opinion. ये जरूरी क्यों है, क्योंकि auditor is required to express an unbiased opinion on the financial statement. The user of the financial statement will rely on the opinion, क्योंकि आपका दिया हुआ एक opinion कई सारे users के लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा, उनके financial decisions, non-financial decision making भी काम देगा. When he is convinced about his independence, जब पब्लिक क्या करती है, अगर आपके इंडिपेंडेंस से कन्विंस्ड है तो डिसीजन लेती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कैसे करें, कितना करें, कैसे करें, कितना करें। सो आप जब भी इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो आपका पब्लिक इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट ओनली पर्सनली टू द थर्ड पार्टी, वी रिलाई ऑन द प्रोफेशनल ओपिनियन एंड एक्सेप्ट हिज ओपिनियन प्रिंसिपली ऑन अ लार्जर फील्ड फेथ ऑन द। देखियो, हम किसी से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं, किसी थर्ड पार्टी से। आप सपोज करो आप IDC या रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप जब ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं तो इसके यूजर्स वाइड रेंज यूजर्स हैं, पब्लिकली वाइड रेंज ऑफ द पर्सन यूज करते हैं इस स्टेटमेंट को, तो क्या आप सबसे पर्सनली कनेक्ट हैं, आप जाकर उनसे एश्योरेंस देंगे, जी नहीं। और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट यू हैज देयर थ्रू इनएक्टेड स्पेसिफिक प्रोविजन। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप तो जाके पर्सनली सबको बोलेंगे, तो कुछ कंट्रोल बनाए गए हैं कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस बनी रहे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन किया जा सके, फिर तो इसको ये भी आ सकता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन किया जा सके, फिर क्या ऐसे प्रोविजन है जिससे मेंटेन होता है। प्रोविजन डिस्क्वालीफाइंग शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सन जो अंडरटेकिंग ऑडिट ऑफ द लिमिटेड कंपनी, कुछ ऐसे आदमी को हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, वो डिस्क्वालीफाइड रहते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग सेलिंग लिमिट, सेलिंग नंबर है कि आप 20 ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है।
provision requiring special resolution, special resolution for appointing auditing, sir. कुछ ऐसे cases है जब छोड़ गया, retirement हो गया, death हो गया या फिर transfer हो गया या फिर खुद से वो resign कर दिया, तो उस cases में कुछ हमें special resolution task कराना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें shareholders का intervention आएगा. Other provisions are the reappointment, removal of the auditor or design with submission independence to carry out on the larger scale and other uses. मतलब कि अब क्या है situation? Other provisions on appointment, reappointment and removal of the auditor. बहुत सारे ऐसे provisions हैं जो appointment और reappointment पे deal करते हैं, ठीक है? तो ये सारी क्या है? जो ऐसे situations, conditions prescribed है पहले से जो independence को guide करेंगे, ठीक है? पहली बात तो appointment से लेके reappointment तक का और provisions क्या है, ceiling limit. Power to qualify his report is yet another weapon in the armory of the auditor to protect his independence. हाँ, आपको कोई दिक्कत हो जाए आप report को qualify कर दीजिए. It's very much practical thing that if you are not satisfied with the books of account, you can qualify its report. Provision relating to rotation of the auditor, rotation of auditor or sub firm serving rotation of the auditor individually or firm को consecutive 2 years or individual को 1 year, ये सारा appointment रखने पड़ेगा. तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस मतलब कि ये आदमी इज गोइंग टू गिव अनबायस्ड ओपिनियन और इस पे रिलाई करेगा पूरा जनता, ठीक है? तो जब भी ये डिसीजन देगा तो इसके ऊपर सारे लोग रिलाई करेंगे. तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने भी पहले से प्रोविजन बना के रखा कि कुछ कंट्रोल बनाए गए हैं उस कंट्रोल इसलिए पहले से प्रोविजन बना के रखा है कि कुछ कंट्रोल बनाए गए हैं उस कंट्रोल जैसे ये सारे कंट्रोल्स हैं कंट्रोल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जैसे कि रोटेशन हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, सीलिंग लिमिट हुई, नंबर ऑफ कितने आप ऑडिट कर सकते हैं, रोटेशन आपका हो सकता है, पावर्स क्या क्या हैं, पावर आपके पास आप क्वालिफाई कर दो रिपोर्ट, ठीक है? इंडिपेंडेंस मीन्स जब भी ऑडिटर कोई रिपोर्ट फॉर्म करता है, ऑडिटर जब भी कोई रिपोर्ट फॉर्म करता है, इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन, सबऑर्डिनेट टू द विशेज ऑफ द अनदर पर्सन, इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट मतलब दूसरे के विश पे नहीं ये ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन ऑडिट में अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ What do you mean by analytical procedures? Analysis, analytical, मतलब मेरे को तो याद आता है analysis का. How much procedures are helpful in auditing? तो नहीं, stock में decrease हुआ है या नहीं हुआ, जो expense है वो उस relation में बढ़ा या नहीं, या बढ़ा नहीं तो क्यों नहीं बढ़ा, ये सारा analysis होता है. तो आइए इसका ऐसे पढ़ते सीधा, ऐसे 520 analytical procedures. As per ऐसे 520, the term analytical procedure means evaluation of financial information through analysis of the possible relation among both financial and non-financial data. मतलब both, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ financial data पे होगा, ये non-financial data का भी analysis किया जा सकता है. Analytical procedure also encompasses such investigation as to necessary of identifying fluctuation or relationship that the inconsistent with the other. जैसे कि मैं बोला ना sale का अगर मेरे को comparison करेगा तो other expenses से भी कर सकता है, stock से भी कर सकता है, purchase से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है. Are inconsistent with the other relevant, अगर ये differ करता है दूसरे से तो वो inconsistent नहीं होना चाहिए. Significant, अगर ये differ करता है दूसरे से तो वो inconsistent नहीं होना चाहिए. Significant amount, value में significant amount. The auditor's choice of procedures, method and level of application is a matter of the professional judgment. अब ये कितना analytical procedures लगाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर साहब भी जज कर पाएंगे, ठीक है? इनके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंक्लूड द कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कंपेरेबल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायर पीरियड. जैसे प्रायर पीरियड तो हमने बोला प्रायर पीरियड से हम कंपेयर कर लेंगे, जैसे ड्यू थ्री की बैलेंस एक बनती है तो इधर एक फिगर, तो इससे एनालिसिस आप तो कर ही सकते हैं ना कि ये इंक्रीज हुआ है तो कैसे हुआ है, ठीक है? ओके, प्रायर पीरियड एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी सच एज बजट फोरकास्ट
expectation of the auditor, such as an estimation of depreciation, depreciation ka estimate in similar industry information, such as आप जैसे कि वो डेप्रिसिएशन का एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, आप डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, अगर है तो सही रीजन है या नहीं, एस्टिमेशन आप फॉलो कर सकते हैं, बट हम एनालिसिस करते रहेंगे नहीं आपके बेनिफिशियल क्या है। सेल्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल, जैसे कि आप कंपैरिजन कर ले, सेल मैंने सेल ज्यादा किया, अकाउंट रिसीवेबल उसके हिसाब से इंट हुआ है नहीं हुआ, अगर कैश मतलब आपका डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट सेल हो रहा है तो इनडायरेक्ट सेल ना होने तो आपके बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो एनालिसिस कर लेंगे, और स्टॉक रिड्यूस हो रहा है कि नहीं उसके साथ साथ, तो ये सारे एग्जांपल्स की बात है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आल्सो इंक्लूड कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, predictable pattern, predictable pattern based on the entity's experience, such as gross margin percentage and between financial information relevant and not. तो आप एक comparison कर सकते हैं, ये वही point है समझ। ये बोले various methods may be used to perform analytical procedures. क्या-क्या method use हो सकते? These methods range from performing simple comparison to performing complex analysis. Using advanced statistical techniques, analytical processes may be applied to be to consolidated financial statement components and individual elements of information. Analytical processes are used for the following purpose: to obtain relevant and reliable audit evidences, to obtain relevant and reliable audit evidences when using substantive analytical processes, to obtain relevant and reliable audit evidences when using substantive analysis. Analytical process, purpose of analytical procedures. अगर आपसे पूछ दिया कि what is the purpose of analytical procedures for the, तो लिखेंगे to obtain relevant and reliable audit evidences when using substantive analytical procedures. Substantive analysis procedures, अगर हम लगा रहे हैं सब्सटेंटिव एनालिसिस प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एनालिसिस प्रोसीजर्स, एनालिसिस प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव एनालिसिस प्रोसीजर्स अगर हम जब लगा रहे हैं तो वहां पर अपने क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट और रिलायबल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो अगर मेरे को रिलेवेंट और रिलायबल डेटा चाहिए तो ये प्रोसीजर्स हम लगा सकते हैं। इसका पर्पज ये डिजाइन टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर टू द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट the auditor when forming an overall conclusion. आप देखो ये उनका बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई थी। अब आपको करना क्या है कि आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाइए, यहाँ से फिगर्स को, यहाँ के फिगर्स को कंपेयर करिए, ये एट द एंड ऑफ द हमेशा मोस्ट इफेक्टिव रहेगा, एट द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन as to whether the financial statements, as to whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the entity, क्या मेरी understanding के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि ये impact यहाँ पे इस figure में होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि भैया ये मेरा ये कुछ data है, आप इसको अपने financials में बनाइएगा, कुछ लगाइएगा, तो हम last में ये देखें कि मेरा जो observations था क्या वो इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, तो ये मतलब ये पर्पज है इसका, ओके, सो वी आर डन विद दिस, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब मटेरियलिटी क्या है, फाइव किसमें प्लान करना और परफॉर्म करना ऑडिट में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अभी बहुत ज़्यादा आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पहले से डिसाइडेड रहता है कि ये मेरा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, सपोज इसके टर्नओवर 1000 करोड़ और उसके लिए मटेरियल अमाउंट सपोज 10 लाख हो, बोले 10 लाख के नीचे की बात मत करिए, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 10 लाख के ऊपर की करिए, या फिर इंडिविजुअली हो या फिर कंसोलिडेटेड हो, जैसे मेरे 10 ब्रांच है, एक ब्रांच में 1 लाख रुपये का अगर फ्रॉड निकल गया था, फिर कोई प्रॉब्लम है तो 1 × 10 कर लेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा वो मटेरियल वो भी माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मिस स्टेटमेंट, तो मैं डिस्कस मटेरियल इन डिफरेंट टर्म्स, दे जनरली एक्सप्लेन misstatement including omission are considered to be material if they individually or aggregate। पहली बात misstatement की हो रही है,
अगर कोई मिसस्टेटमेंट है इंडिविजुअल, पहली बात मिसस्टेटमेंट की हो रही है, अगर कोई मिसस्टेटमेंट है इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट हो, अगर वो दोनों फॉर्म कर रहे हैं, वो दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब उनका इम्पैक्ट जो है मिसस्टेटमेंट कोई हुआ उसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली, तो होगा। दूसरा जजमेंट, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल। यूजर्स जो है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीड के ऊपर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम देंगे स्टेटमेंट जो पब्लिक यूज करेगी उनको, अगर सपोज करो ट्रेडिंग कंपनी तो उसको क्या करना होगा कि वो देखिएगा परचेस सेल क्या है, परचेस सेल उनके लिए मटेरियल है, ठीक है, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अब जैसे कि अब कोई और इंफॉर्मेशन अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ये लोन से लिया हुआ है, लोन से फंडिंग किया हुआ है, तो जो लोन दिया हुआ उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकम कितना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का एनालिसिस प्रॉपर करना होगा, ठीक है। तो जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स एज टू ग्रुप द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर्स हुज नीड्स मे वेरी वाइडली। और तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो पब्लिक यूज करने वाली है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उनके नीड, उनकी ज़रूरतों को ध्यान देते हुए हमें कोई भी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ें जो मटेरियल थी उनके लिए वो आप छोड़ दिए, ठीक है। सच अ डिस्कशन इज प्रेजेंट, अब इसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं एफ आर एफ में पहले से ही लिखा रहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में पहले से ये चीज़ें मेंशन रहती है, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, उसी को फॉलो करना है, और अगर नहीं है तो आपको ये अब चीज़ें फॉलो करनी है। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी ऑफ द ऑडिट इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट मटेरियल द कैरेक्टर रेफर्ड अबव, मतलब जो इफ एप्लीकेबल अगर लग रहा है वो इंक्लूड नहीं किया है तो आप ये मेंशन चीज़ें फॉलो करेंगे, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनको लग रहा है मटेरियल है, या फिर आपको मिसस्टेटमेंट कुछ ऐसी लग रही है कि जो इंडिविजुअल इंट्री और ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे फाइनेंशियल्स को, दो चीज़ें आप मेजरली ध्यान दें कि पहले इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट उसका बड़ा है, और दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ऑडिटर डिटरमिनेशन मटेरियल इज अ मैटर प्रोफेशनल, जिसमें नथिंग इज मैं ऑडिटर, मैंने बोला ये चीज मटेरियल है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय जजमेंट, और ये टोटली हमारे ऊपर है कि ऑडिटर जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन, हाँ मुझे ये चीज लगी, अगर ये चीज नहीं भी हो सकती है या हो भी सकती है, ओके। नाउ perception in the financial information, needs of the users of the financial statement in the context, it is reasonable for the auditor to assume that the users have a reasonable knowledge, jo users hai unke paas ek reasonable knowledge hai, understand the financial statement ko samajhte hain, reasonable knowledge hai kiske bare mein, business aur economy ke bare mein, economic activity, recognize the uncertainty inherent of the measurement of the amount based on the user use of the instrument. users हैं वो uncertainty हो सकती है, ऐसा वो assume कर सकते हैं, हम assume करेंगे कि uncertainty हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, make reasonable economic decision on the basis of the information in the financial, reasonable economic decision वो ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे उनको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, दैट इज व्हाट देयर ओन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, वो अपने से वो डिसीजन ले सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट एंड इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। The concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performance. Okay, so this is the SA 320.
इसमें ज़्यादा हैंडलिंग स्टेटमेंट की बात हो रही है, जजमेंट की बात हो रही है, और ये होता क्या है कंसल्टा मटेरियल, और बेसिकली इसमें पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है ज़्यादा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अरे भैया जो बाहर से कंफर्मेशन आता है, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, थर्ड पार्टी अकाउंट पेबल, बस इसका ऐसे याद कर लीजिए। Symbols and audit evidence is obtained as a direct written response to the auditor from a third party in a paper or by electronic or official. The use of external is necessary to obtain sufficient appropriate audit evidences to support certain financial statement assertion. जैसे मैंने कोई observation किया तो उसको support करने के लिए, या bank balance confirmation हो गया, रिसीवेबल का डेटर और डेटर का एडिंग हो गया, इन्वेंट्री हेल्ड बाई थर्ड पार्टी का बैलेंस का इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जिसके पास जो है वो सही है गलत है। स्ट्रिक्ट, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट करना है आपको एनी 10 एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी एनकाउंटर। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505, ठीक है, उसमें वो लिखा हुआ था कि हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन किससे, मतलब क्या क्या सिचुएशन में लेना है, जैसे बैंक बैलेंस का हो गया, इन्वेंट्री के बैलेंस का कंफर्मेशन हो गया, डेटर का हो गया, डेटर, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो हम कोई एसर्शन बनाते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लीड का, तो उसके लिए काम में आता है। ठीक है, नाउ एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी इनकाउंटर्ड आर, सबको पता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट इन 10 एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी इनकाउंटर्ड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन, तो आपके लिए एक चीज इजी हो जाएगी अगर ये चीजें एक डायग्राम में आ जाए, ये वैल्यूएशन और ये ट्रीटमेंट है। अब वैल्यूएशन में क्या आ गया, इन्वेंट्री, दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट, तीसरा आ गया में क्या आया, गुडविल, ट्रीटमेंट में क्या आया, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, अब इन्वेंट्री में क्या चीजें हो सकती हैं, फीफो हो सकता है, लीफो हो सकता है, वेटेड एवरेज हो सकता है, ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती है। अब सॉरी ये इन्वेंट्री का है ना, हाँ ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और एनआरवी, ठीक, एनआरवी तीन चीज़ें फॉलो हो सकती है, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, एनआरवी, ये क्या है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, डब्ल्यू। फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट में हिस्टोरिकल कॉस्ट, वैल्यूएशन कैसे होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रीवैल्यूएशन प्राइस, या फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन से माल खरीद के लाए और एज ऑन द रेट ऑफ द बैलेंस शीट या क्वार्टर एंड पे आप देखेंगे कि माल खरीद के लाए और एज ऑन द रेट ऑफ द बैलेंस शीट या क्वार्टर एंड पे आप देखेंगे कि उसमें फ्लक्चुएशन है, प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। गुडविल, 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 गुडविल राइट ऑफ करना है या फिर रिटेन करना है, ठीक है, ये भी हमारी पॉलिसी है। अब ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एक्चुअरियल बेसिस पे होगा, एक्चुअरियल बेसिस पे होगा या फंडेड थ्रू ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट के थ्रू फंड किया जाएगा या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी गई, ठीक है। और एक चीज़ ग्रॉस, ये चीज़ हो गई, और एक अपना ये रिटेन डाउन वैल्यू या फिर स्ट्रीट मैथड, मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या, तो ये फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज अगर रिवाइज करते हैं, रिटर्न राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न करेंगे एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एक्चुअरियल बेसिस पे होगा, फंडेड थ्रू ट्रस्ट है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, हिस्टोरिकल फंडेड थ्रू ट्रस्ट है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन प्राइस, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो वैल्यूएशन में तीन पॉइंट है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, गुडविल, ट्रीटमेंट में गुडविल है और तो तीनों में क्या होगा, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री में क्या होगा, फीफो, लिफो,
weighted average. Investment में क्या होगा cost, market value, NRV. और fixed asset में क्या होगा historical cost हो सकता है, revaluation price, exchange fluctuation. Treatment में goodwill write off करना है, retail में. और उसके बाद क्या retirement बच्चे actuarial basis पे या फिर कोई fund से, fixed asset का math का